क्या रीजन है? दोबारा नहीं चेक करना चाहिए। अभी मेरे को चेक करके बताओ ना, आपका टीम क्या करे? वो चीटिंग है, आपका जो धनी आप है ना, वो चीटिंग है, चीटर है, लायर है, फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ। सर आप निश्चिंत रहेगा, आपको पूरी सहायता की जाएगी। दो महीना हो गया आपका सीनियर टीम क्या कर रहा है? मैं उसी उसी रिलेटेड सर आपके डिटेल्स फॉरवर्ड कर रहा हूँ, प्लीज। फॉरवर्ड अभी मेरा साल होना चाहिए। ठीक है सर, आप उसको समय दीजिएगा, हमें वो आपको अपडेट कर देंगे। अपडेट कर देगा मतलब? जितने बार मैंने फोन किया, जितने बार कंप्लेन लगाया, वही बता रहा है मेरे को, वही बता रहा है। आपका टीम क्या कर रहा है? लाइन पे बने रहिएगा, मैं आपकी कंप्लेन रेज कर रहा हूँ इसके रिलेटेड। ओके, क्या मैं आपका कंप्लेन रेज कर रहा हूँ, आप थोड़ा समय दीजिएगा। कंप्लेन रेज कर रहा हूँ, मेरे को अभी जी सॉल्व होना चाहिए। जी क्या मैं आप तुम्हारे को मैं फोन करूंगा, कितना बार फोन करूंगा, टाइम मेरा वो क्या है, बार बार मैं फोन कर क्या रहा हूँ। आप कंप्लेन क्या मैं दे रहा आपको हूँ कॉल कि एक मिनट के लिए क्या मैं आपकी कंप्लेन दे रहा हूँ कि आपका रिफंड हो जाएगा हफ्ते के अंदर। क्या बोला है? डिलीवर हो जाएगा 2 दिन के अंदर, 1 घंटा के बाद आपको डिलीवर हो जाएगा, या क्या बोला है आपका टीम को? बोला है कल फोन किया था, जो शाम को फोन किया था उन्होंने बताया, क्या बता मेरे को, क्या बता कि आपने दोनों ऑर्डर किया था, उसका 200 का रिफंड हो गया कल, मेरे को बताया था उन्होंने। लाइन पर बने रहिएगा, एक मिनट दीजिए प्लीज। धनी आपका जो टीम बना रहा है वो फ्रॉड है, फ्रॉड चिट्टर है, अभी मैं जान पाऊंगा, चिट्टर है आपने। सीनियर टीम को मैंने कंप्लेन भेजा हूँ, सीनियर टीम क्या कर रहा है? आप कस्टमर का प्रॉब्लम से ही सर्व कर रहा है? ओके, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज सर, प्लीज लाइन पर बने रहिए। अभी मैं आपका कॉल रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ, क्योंकि सर आप बताइए कि आप क्या जानकारी जानना चाह रहे हैं इसमें, हम आपकी सहायता कर। आपके साथ मैं जो भी बात कर रहा हूँ मैं उसको कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है क्योंकि आप मेरे को जो भी बताएगा वो रिकॉर्डिंग होगा। अभी वो जो रिकॉर्डिंग होगा वो वीडियो को, वो रिकॉर्डिंग को मैं वायरल करूँगा। जी बताइए सर। किस लिए मैं वायरल करूँगा आप तो जान जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्योंकि मैं किस लिए मैं वायरल करूँगा। आप जानकारी क्या जानना चाह रहे हैं सर, बता पाएंगे हमें प्लीज? पहले इसी नंबर का जो ऑर्डर आईडी है, हेलो, हाँ, तो मैं कितना आइटम ऑर्डर किया है आप थोड़ा चेक करके मेरे को बताओ। इस ऑर्डर में सर जो आपने आइटम ऑर्डर किए हैं, जी 1 मिनट, आप अपना एक बार रजिस्टर कॉन्टैक्ट नंबर कंफर्म करवा सकते हैं? इसी नंबर पे बताइए। 9827। जी बात कर रहे हैं? जी 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 ओके, 1 मिनट दीजिए। इसमें सर आपके 6 आइटम हैं सर टोटल। टोटल 6 आइटम है। हाँ ठीक है, कल मैंने फोन किया था, आपका टीम ओके बोला था कि आप 2 आइटम ओके, ऑर्डर किए थे इसी ऑर्डर आईडी में। ये है आपका सेंसोडाइन था एक, और निविया का है, कॉलगेट है, सेंसोडाइन एक्सपर्ट टूथ ब्रश है, जी जी सर और वेट। सुनिए, पहले सुनिए, हाँ इसी ऑर्डर आईडी में कंप्लेन में बार बार ले चुकी हूँ, 2 महीने हो गया, अभी तक मेरा जो ऑर्डर है मेरे पास डिलीवर नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैंने ओके बार बार फोन किया है, तो वो मैं मेरे को जो दिक्कत आए थे इसीलिए मैंने फ्लुएंटली बोला था कि ये मेरे को पैसा रिफंड कर दीजिए। उन्होंने बताया ओके कि आपको 1 हफ्ते के अंदर आपको पैसा रिफंड हो जाएगा, दो ठीक हफ्ता है हो गया है अभी तक पैसा रिफंड नहीं हुआ है। ठीक है, मैं चेक कर ले रहा हूँ सर क्या इसमें इश्यूज हैं, आप लाइन पे बने रहिएगा। तो इसमें जो बता रहे हैं आपको एक भी ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ है, एक भी प्रोडक्ट क्या क्या कुछ प्रोडक्ट मेरे पास डिलीवर, कुछ ही प्रोडक्ट नहीं हो रहा है। एक भी नहीं हुआ है इसमें से जो जी जी आइटम है। जी जी ओके, माफी चाहते हैं सर इसके लिए, सभी असुविधा हुई है, एक मिनट दीजिएगा प्लीज जी सर। इसमें से तो कुछ जो ऑर्डर्स थे वो कैंसल हो गए थे, कॉलगेट जिगजैग टूथब्रश है और सेंसोडाइन टूथब्रश, जी ये दोनों कैंसल हो गए थे, और इसका रिफंड भी हो गया था 24 दिसंबर जी को, हो गया वो आ गया होगा आपके पास, राइट? जी 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 ठीक है, बाकी जो कह रहे हैं आपकी डिलीवरी नहीं हुई है आपको, जी जी एक मिनट सर। सर इसमें मेंशन कर रहा है कि 27 को डिलीवर्ड हुआ था तो वही आपको तो मैं कंप्लेन शोरूम। ले रहा हूँ, मेरा डिलीवर नहीं हुआ ओके है, ओके तो आपने बताया कि आपको डिलीवर हो गया, मैंने स्क्रीन शॉट आपको हाँ भेजा ना, स्क्रीन शॉट मैंने आपको भेजा है, बार बार कंप्लेन ले चुकी हो।
ठीक है, 27 को रिफंड प्रोसीड करके दिखा रहे हैं हमारी ओर से, कंप्लेंट रेज हुआ था आपका और इसमें लिखा है कि 27 तारीख को रिफंड आपका प्रोसीड हुआ है, 27 जनवरी को। तो फिर ये आपने एक बार चेक किया कि रिफंड आ गया होगा आपके इसमें, क्योंकि सेवन वर्किंग डेज मैच को नहीं, रिफंड अभी तक नहीं हुआ है, नहीं आया है। अभी तक नहीं आया सर। रिफंड कितना रुपए का आएगा मेरे को बताओ ना। जो 201 है, जो आपका जो दोनों आइटम नहीं था आपका स्टॉक में, तो इसीलिए मेरे को 201 रुपए का रिफंड कर दिया। मेरा जो वो तो बात सुनिए, मेरा जो ऑर्डर था कितना रुपए का, टोटली 6 आइटम था, ऑर्डर था कितना रुपए का, 672 सिक्स आइटम का ऑर्डर कितना था मेरे को बोलिए। सर, हम वही कह रहे हैं आपको, 873 जी, दोनों आइटम कैंसिल हुआ, जी। कितना पैसा मेरे को हाँ, रिफंड हुआ है जो दोनों आइटम के लिए, आपको रिफंड हुआ है 201। तो और बाकी कितना रुपए रहे, और बाकी को कितना रुपए रहे। ठीक है, उसके लिए मैं डिटेल्स फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अगर आपको रिफंड नहीं मिला है तो मैं, क्योंकि हमारी टीम की ओर से ऐसे मेंशन किया गया था रिफंड रिलेटेड कि रिफंड प्रोसीड हो चुका है और आप कह रहे हैं आपको रिफंड अभी मिला नहीं है, मैं इसके लिए केस फॉरवर्ड कर रहा हूँ कंसर्न डिपार्टमेंट को। ओके डिपार्टमेंट क्या 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 बोला, क्या बोला। सर, मैं डिटेल्स फॉरवर्ड कर रहा हूँ टीम को, जस्ट आप 24 to 48 आवर्स का टाइम दे दीजिएगा अपडेट के लिए। जब भी अपडेट कर देंगे, अगर 28 क्या होगा, 28 क्या होगा जी बोलिए ना। हाँ जी बोलिए। 28 48 का मतलब क्या है, आपने बताया क्या, 1 हफ्ता के लिए। हेलो, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ सर, आप बोलिए। मैं 24 की 48 आवर नहीं ले पाऊंगा। आपका सीनियर क्योंकि टीम क्या कर रहा है, कस्टमर का जो प्रॉब्लम सॉल्व में क्यों नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि रिफंड प्रोसीड हुआ है, अब आप कह रहे हैं नहीं आया, तो एक बार वो दोबारा चेक कर लेंगे क्या रीजन है। दोबारा नहीं चेक करना चाहिए, अभी मेरे को चेक करके बताओ ना, आपका टीम क्या करे, वो चीटिंग है। आपका जो धनी आप है ना, वो चीटिंग है, चीटर है, लायर है, फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ। सर आप निश्चिंत रहेगा, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। 2 महीना हो गया, आपका सीनियर टीम क्या कर रहा है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड अभी मेरा सॉल्व होना चाहिए। ठीक है सर, आप उसको समय दीजिएगा, हमें वो आपको अपडेट कर देंगे। अपडेट कर देगा मतलब, जितने बार मैंने फोन किया, जितने बार कंप्लेन आया, वही बता रहा है मेरे को, वही बता रहा है। आपका टीम क्या कर रहा है, लाइन पे बने रहिएगा, मैं आपकी कंप्लेन रेज कर रहा हूँ इसके रिलेटेड। ओके, क्या मैं आपका कंप्लेन रेज कर रहा हूँ, आप थोड़ा समय दीजिएगा कंप्लेन रेज कर रहा हूँ, वो मेरे को अभी जी। सॉल्व होना चाहिए। जी सारे क्या कितने बार मैं तुम्हारे को मैं फोन करूँगा, कितना बार फोन करूँगा, टाइम मेरा वो क्या है, बार बार मैं फोन कर क्या रहा हूँ। माफ हाँ, कंप्लेन क्या दे माफ रहा आपकी हूँ बोल कि दीजिए मिनट के कंप्लेन लिए क्या माफ आपकी दे बोल रहा हूँ कि आपका रिफंड हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। हाँ, क्या बोला है, डिलीवर हो जाएगा 2 दिन के अंदर, 1 घंटा के बाद आपको डिलीवर हो जाएगा, या क्या बोला है आपका टीम को। बोला कल फोन किया था, जो शाम को फोन किया था उन्होंने, बता क्या बता मेरे को, क्या बता कि आपका दोनों ऑर्डर किया था, उसका 200 का रिफंड हो गया, कल मेरे को बताया था उन्होंने। लाइन पर बने रहिएगा, 1 मिनट दीजिए प्लीज। धनिक आपका जो टीम बना रहा है वो फ्रॉड है, फ्रॉड चिट्टर है, अभी मैं जान पाऊंगा, चिट्टर है आपने। सीनियर टीम को मैंने कंप्लेन भेजा हूँ, सीनियर टीम क्या कर रहा है, कस्टमर का प्रॉब्लम से ही सर्व कर रहा है। हाँ? ओके, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज सर, प्लीज लाइन पर बने रहिए सर, आपकी कंप्लेन रेज की जा रही है, थोड़ा समय दीजिएगा प्लीज। धन्यवाद जी सर लाइन पे बने रहने के लिए। सर मैंने आपका कंप्लेन यहाँ पर मेंशन कर दिया है, रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज सर आपको समय दीजिएगा, हमें आपको इसमें डेफिनेटली रेजोल्यूशन मिल जाएगा। वो बात ना मैं पहले बहुत बार सुन चुके हूँ, बहुत बार सुन चुकी हूँ, मेरा जो वेट करने का और पैसा नहीं है, मैंने बहुत बार सुन चुकी हूँ। आपका कितने बार मैंने फोन किया, थोड़ा चेक करके मेरे को बताना, कितने दिन बाद मैं फोन कर रहा हूँ और कितने बार फोन किया हूँ, थोड़ा चेक करके बताओ। बहुत हाँ सर, आपने कॉल किया है बहुत बार, मैं बार कर देख पा रहा रहा है हूँ आपका टीम क्या कर रहा है, बहुत बार जो कल कर रहा है आपका टीम क्या कर रहा है, सारा चिट्टर है आपका टीम, क्या कर रहा सर। है, चिट्टर उन्होंने है, मेंशन किया फ्रॉड है, है, चिट्टर मेंशन किया है। ओके है। तो हाँ, सर आपका कंप्लेन मैंने फॉरवर्ड कर दिया, जस्ट या ट्वेंटी मैं फोर कंप्लेन फॉरवर्ड स्टेटस करें, या मैक्स तो टाइम सॉल्व करना इसके। होना चाहिए, मैं अभी आपका मेरा मेरा जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करना चाहिए, होना चाहिए, नहीं तो आप सीनियर टीम से भेज दो, मैं उसके उनके साथ मैं बात करना चाहूंगा, या हाँ सर, मैंने आपका वही नहीं, आपका जो आप पढ़ाई हाँ लिखी वही डिटेल्स मैंने फॉरवर्ड कर रखी है उनको, आपको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड क्या कर कर रहा है, समय। फॉरवर्ड क्या कर रहा है, फॉरवर्ड क्या कर रहा है, कितना बार मैं सुन चुकी हूँ, पहले मैंने फॉरवर्ड कर दिया आपको, 1 दिन के अंदर आपको डिलीवर हो जाएगा, 2 दिन के अंदर आपको रिफंड हो जाए, वो बात मैं पहले सुन चुकी हूँ। वन मिनट वन मिनट वन मिनट वन मिनट प्लीज सर, ये रीज़न ये है कि
मैंने आपका कंप्लेन हाईलाइटेड कर दिया है कंसर्न हाईलाइटेड कितने डिपार्टमेंट बार को दिस किया टाइम। आपने? जो बताएगा आप कितने बार मैंने सुन चुके हैं हाईलाइट कर दिया आपने कितने बार? आपका टीम मेरे को बताएगा मैंने हाईलाइट कर दिया आपका जो जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा? नहीं, मैं अभी मेरा सॉल्व होना चाहिए, अभी तो होना चाहिए। आप सीनियर टीम से अभी मेरे को बात करना चाहिए जी। मेरा जो रिफंड होगा आज ही होगा, अभी होगा, अभी होना चाहिए। 2 महीना हो गया मैंने प्रोडक्ट मेरा मेरे लिए सब कुछ पैसा देगा आपका जो जो भी मेरा कितना बड़ा कस्टमर हूँ आपका टीम से, थोड़ा चेक करके बताओ ना। बार बार मैंने ऑर्डर किया हूँ। जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली सर। डेफिनेटली सर, कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा, डेफिनेटली सर, वही बता रहा है। आपका डिटेल्स फॉरवर्ड कर दे क्या है हमने? अभी आज आज फॉरवर्ड क्या अभी अभी मेरा साथ वो जो आपका जो सीनियर टीम जो बैठ रहा है ना उसके साथ मेरे को बात करो। सर मैंने उनको उन्हीं को मेल फॉरवर्ड कर रखे हैं, उनको मेल कंसर्न डिपार्टमेंट को टीम फॉरवर्ड। मेल मेल क्या मेल तो मैं कितनी बार सुन चुकी हूँ कि आपके आप सीनियर टीम से भेज दिया मेल किया हूँ। अभी अभी मेरा बात करो उसके साथ। सर दिस टाइम पे अभी वो अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो आपसे जिस कल टाइम बात में कराई जा क्या क्या सकती जिस टाइम में क्या क्या कर रहा है। है इस टाइम पे आपको? अभी अभी अवेलेबिलिटी नहीं है सर। अभी अवेलेबिलिटी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सर क्योंकि अभी सर नहीं है अवेलेबिलिटी, तो आप कल कांटेक्ट कर सकते हैं। कल कांटेक्ट नहीं करना चाहूंगा, आज आज ही कांटेक्ट, आज ही कांटेक्ट होगा। आपका डिटेल्स 1 मिनट सर, आपका डिटेल्स ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया है, जस्ट और 24 to 48 आप आपका टाइम। मैंने पहले सुन चुकी हूँ, मैंने पहले सुन चुका, काल काल नहीं होगा, आज आज मैं करूंगा। इसके अलावा और कोई सहायता सर धनी स्टोर की ओर से? शायद क्या मैंने मैंने मेरा कंप्लेन क्या आपने सर्व कर दिया? हाँ आपका कंप्लेन हमने फॉरवर्ड कर दिया, जो टाइमलाइंस रहती है 24 से 48 घंटे उसके अंदर अपडेट आएगा, तो आपको जो भी अपडेट होगा वो मिलेगा। मैं बार बार मैंने जो बोला आपको जो जो भी किया तो मैंने सुन चुकी हूँ कि वही बता रहा है आपका टीम, वही बता रहा है। मैंने फॉरवर्ड कर दिया, सीनियर टीम से भेज दिस दिया। टाइम आपको डेफिनेटली सर आंसर मिल जाएगा, दिस टाइम आपको डेफिनेटली रेगुलेशन मिल जाएगा। डेफिनेटली कितने बार मैंने सुन चुकी हूँ इसके डेफिनेटली? अलावा हेलो, यस आप डेफिनेटली जो बोल रहा है डेफिनेटली के अलग है, वो और कुछ नहीं आपको जानता है ना क्या? तो सर मैंने आपकी डिटेल फॉरवर्ड कर रखी है ऑलरेडी, जस्ट वेट कर लीजिएगा 24 to 48 दिस टाइम डायरेक्ट आपको। नहीं अभी चाहिए, अभी चाहिए इसके आपका। आप फ्रॉड है, चिट्टर है, ट्रैक्टर है, सब कुछ इसके है। अलावा कोई सहायता सर धनी स्टोर की ओर सहायता से? क्या आप पूरी इसके अलावा? कंपनी की जो आपकी है, एक ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना, इसके अलावा और क्या सहायता करूंगा? क्या ठीक है बोला? आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जा चुकी है हमारी ओर से, आपकी बात रविंद्र से हो रही थी, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जा चुकी है, तो टाइमलाइन रहेगा ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट मैंने आवर्स कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं भेजा अभी तक, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। बार बार आप लाइन पे बता मैं टाइम मेरा वेस्ट कर रहा है आपका टीम, मेरा टाइम बहुत बहुत मैंने इंपॉर्टेंट टाइम मेरे को वेस्ट कर रहा है मेरा मेरा साथ। टाइम कितना मेरा ऑर्डर किया, पैसा दिया, किया ऑर्डर ऑर्डर कर रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास डिलीवर नहीं आया, तो बार बार कंप्लेन ले रहा हूँ। सर इसके लिए माफी चाहते हैं, जो कि आपको प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं मिली है इसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं हमारी ओर से, बट आपका कंप्लेन फॉरवर्ड कर दिया गया ऑलरेडी टीम को, कि थोड़ा इनको रुकिए, आपको रिफंड इनिशिएट कर दिया जाए एज सुन एज, और द सेम मोड ऑफ पेमेंट, जैसे रिफंड इनिशिएट होगा विद इन सेम मोड ऑफ पेमेंट में आपको 7 वर्किंग डेज के अंदर क्रेडिट हो जाएगा, निश्चिंत रहेगा जी प्लीज। जी सुनिए, 2 हफ्ता के जो 2 हफ्ता के पहले मैंने जो फोन किया था वही बता था 7 वर्किंग डेज में हाँ उसमें ऐसा आपको। हुआ ना सर, सर उसमें ऐसा हुआ है कि वो टीम ने हमारी तरफ से लिखा है कि प्रोसीड हो गया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, या तो माइट भी कोई इश्यूज की वजह से नहीं आया होगा, बट यहाँ से मेंशन हुआ है प्रोसीड, तो मैंने उनको दोबारा पिंग कर रखा है कि कस्टमर अभी भी स्टिल वेटिंग कर रहे हैं, उनका रिफंड अभी रिसीव नहीं हुआ है, उसी के लिए मैं हाई प्रायोरिटी में फॉरवर्ड कर दिया है अभी मेरी टीम को, जस्ट राइट नाउ आप चाहे तो कंप्लेन आईडी इनपुट कर लीजिए, टिकट आईडी मैंने डिटेल्स उनको दे रखी है, जी जी वो जी जस्ट चेक जी सुनिए, जी। पहले सुनिए, हाँ जो मैंने जो आपको मेल किया था, जो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर उसको थोड़ा चेक कर लो। हाँ सर आपका ना वो सब चीज क्लोज हो गया है, उसे चेक करके ही हमारी टीम ने केस क्लोज इसलिए किया कि रिफंड प्रोसीड हुआ है, तो अब अभी उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आपको नहीं मिला है, इस रिलेटेड मैंने दोबारा पिंग कर रखा है हाई प्रायोरिटी में, वो आपको एज सुन एज डेफिनेटली पिंग आपको अपडेट कर देंगे, प्लीज निश्चिंत रहिए आप, ठीक है इसके लिए समाधान है जो भी आपको इश्यूज हुआ, बट ठीक दिस टाइम मैंने पूरा मेंशन कर दिया है सर यहाँ पे। है ठीक है ओके okay? ठीक है ठीक है, अब सब इसके अलावा रिकॉर्डिंग किया गया आपका जो जो भी हाँ बात, उसको मैंने वोट करूंगा और नहीं श्योर श्योर पूछूंगा, ठीक है? श्योर सर इस ऑडियो को लेकर मैं वायरल करूंगा और आपका जो टीम तरफ से मैंने FIR लिखूंगा, आप चिट्टर है। ठीक ठीक है मैंने मेंशन कर दिया है चीज़ें, और इसके अलावा कोई सहायता सर? शायद आई ठीक है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो पहले, फिर ठीक है, मैंने बताते डिटेल्स फॉरवर्ड करिए, आप जस्ट वेट कर लीजिएगा सर 24 to 48।